हेलो लवली चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? फाइन, यस। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लर्निंग, ओके? सो दिस ईयर वी विल लर्न थ्रू द वीडियोस, है ना? वीडियोस के थ्रू हम पढ़ेंगे, ओके? सो यू शुड सी, यू शुड वॉच ईच एंड एवरी वीडियो एवरी डे। आपको डेली वीडियोस है ना देखने हैं, ठीक है? वीडियोस देखने हैं, फिर पीडीएफ मिलेगी आपको, आपकी वर्कशीट्स की, वो आपको फिलअप करनी है, ठीक है ना? इस तरह से हम पढ़ाई करेंगे, ओके? हमारा लर्निंग करेंगे। अभी आपको थोड़ी सी मैं इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट एंड मोस्ट यू हैव टू पुट योर मोबाइल स्लाइट फार फ्रॉम योर आइज। अपनी आँखों से थोड़ा दूर रखना है, थोड़ा नीचे रखना है, ओके? अदरवाइज योर आइज विल गेट हर्ट, है ना? आँखों को नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, आपको वीडियोस हमेशा फुल स्क्रीन में देखना है। वीडियोस जैसे शुरू हो उसका फुल स्क्रीन कर दो। नंबर थ्री, इंस्ट्रक्शन नंबर थ्री, आपका वीडियो जब फिनिश हो जाए उसके बाद यू हैव टू गो इन कमेंट बॉक्स एंड यू हैव टू राइट योर नेम एंड गिव द थंब, ओके? आपका नेम लिखना है कमेंट बॉक्स में एंड थंब क्लिक करना है। उससे क्या होगा, हम आपकी अटेंडेंस फिलअप कर पाएंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा कि नहीं, है ना? तो आपको क्या करना है, ये वीडियो फिनिश होने आए ना उसके बाद क्या करना है, कमेंट में जाके आपको अपना नेम लिखना है एंड थंब देना है, ओके? तो इससे क्या हो जाएगा, मैं आपकी अटेंडेंस फिल कर दूंगी। अदरवाइज मैं आपका रिजल्ट कैसे बनाऊंगी, है ना? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, आप स्कूल में आते हो ना? अगर नहीं आते तो अटेंडेंस होती है आपकी? नो। सो यू ऑल स्टूडेंट्स शुड सी दिस ऑल वीडियोस, ओके? ठीक है ना? किसी को भी लेफ्ट नहीं करना है, हाँ? अच्छे से पढ़ाई करना, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, है ना? तो आज हम है ना मैथमेटिक्स में लेसन वन पढ़ेंगे। आर यू रेडी? ओके, मैं अपना है ना स्क्रीन थोड़ा सा श्रिंक कर देती हूँ और हम स्टोरी रीड करते हैं, ओके? यस, सी हियर इज द स्टोरी। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द फिश टेल, है ना? फिश की स्टोरी है, ओके? वी विल रीड, हम पढ़ेंगे इसको। यस, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके? हाँ, डीप अंडर द सी, थोड़ा सा मैं बिग कर देती हूँ, हाँ, यस, मुझे थोड़ा स्मॉल दिखाई दे रहा है। डीप अंडर द सी सी द लवली कलरफुल फिश स्विमिंग पीसफुली, है ना? अंडर वाटर में आप जाते हैं ना, डीप ओशन, सी यानी ओशन, ओशन में अंदर जाते हैं ना बिल्कुल बॉटम पे, तो वाटर कैसा होता है, डीप होता है ना, साइलेंट होता है, और वहाँ पे क्या होती है, बहुत ही लवली कलरफुल फिशेस होती है ना, वहाँ पे वो स्विम करती है पीसफुली, शांति से, है ना? कभी देखा है आपने ऐसा सीन? आपने अगर डिस्कवरी देखते होंगे ना आप, तो उसमें बहुत सारी ऐसा आता है ना, स्कूबा डाइवर्स अंदर जाते हैं, डाइव करते हैं, फिर बहुत सारी फिशेस देखते हैं ना, ओके? कभी देखना ऐसा प्रोग्राम, बहुत मज़ा आती है ना? और जैसे कि आप साइंस सिटी गए होंगे, वहाँ पे भी वो 3D मूवी आती है ना, देखिए कभी, उसमें भी वैसे दिखाते हैं, यस, ओके। और ऐसे 3 lines की जो पोएम होती है ना, जो नेचर के बारे में होती है, उसको है ना जापान में क्या बोलते हैं पता है, हाइकू बोलते हैं, हाइकू। तो ये क्या है, हाइकू, ये क्या था, हाइकू, है ना? 3 lines है ना इसमें, तो ये क्या है, जापान में इसको क्या बोलते हैं, हाइकू, ओके? दिस स्पेशल पोएम इन 3 lines इज कॉल्ड हाइकू, सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। हियर इज अनदर हाइकू, सी, यहाँ पे दूसरा एक हाइकू है, देखा मैं आपको, ये रहा, ओके? ठीक है, हम इसको भी पढ़ते। द लेक काम स्मूथ स्टिल, लेक यानी जो सरोवर होता है ना उसको लेक बोलते हैं, है ना? बड़ा सा, बिग सा, काम होता है, कैसा होता है, शांत, वहाँ पे वेव्स आती है नहीं आती है, स्मूथ, काम एंड स्टिल होता है। और फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, फिश ऐसे जम्प्स अप करती है फिर अंदर रिटर्न जाती है, तो क्या होते हैं, रिपल्स होते हैं, ऐसे ऐसे गोल 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 होते हैं ना, हम पत्थर भी डालते हैं ना अंदर, स्टोन डालते हैं, थ्रो करते हैं, तो जैसे गोल गोल होता है ना, हाँ, उससे क्या होता है, पूरा लेक का वाटर कैसे हो जाता है, शेक हो जाता है, हिल जाता है ना? तो ये भी एक अनदर हाइकू है, दूसरा एक हाइकू है, देखो 3 lines का है ना,
और नेचर के बारे में है, सो इट इज कॉल्ड हाइकू। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? आप फिश की कोई पोएम जानते हो? यस, हम नर्सरी में सीखे थे ना, मछली जल की रानी है, फिर जूनियर सीनियर में 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, है ना, वो सब सीखते थे ना। ऐसी कोई भी आपको आती है ना तो आप याद करना, ओके, रिकॉल इट। ओके, देन हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे ना थोड़े से ड्राइंग्स है जो बच्चों ने बनाया, देखो, सी दिस वन है ना, ये सारे देखो कितने फाइन फाइन फिशेस के है ना, बहुत सारी अलग अलग फिश होती है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ द फिशेस बोलते हैं, और एक ही तरफ के फिश बहुत सारी जब साथ में होती है ना तो उसको फिश ही बोलते हैं, प्लूरल में भी बहुत, जैसे सारे येलो फिश है, गोल्डन फिश है, तो फिश ही बोलेंगे, मोर देन वन होगी तो भी, पर अलग अलग कलर की होती है ना तो एक से ज़्यादा हो तो फिशेस बोलेंगे, ओके। तो ये क्या है, फिशेस है, अलग अलग कलर की, अलग अलग साइज की, अलग अलग स्पीसीज की है ना, यस। तो ये फिशेस है ना, ये बच्चों ने ड्राइंग की है, और इसको देख के आपके दिमाग में कोई शेप्स आते हैं कि कौन से शेप्स हैं, कौन से शेप्स से हम फिश बना सकते हैं, जैसे कि ओवल शेप, जैसे कि थोड़ा सा आई जैसा, है ना, हमारी आँखें कैसी होती है ऐसा शेप, फिर और कैसा होता है फिश के, बहुत सारे, कोई गोल गोल जैसी भी होती है थोड़ी सी, है ना, हाँ, सारे फिश के अलग अलग शेप्स होते हैं, तो फिशेस को देख के आपको कौन कौन से शेप याद आते हैं, फिर उसके टेल कैसे शेप की होती है, जैसे कि ट्राइंगल शेप की होती है ना, यस। देखो अभी ये सारी फिशेस है, ओके, तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अच्छा, ओके, अभी आप ये बताओ कि आपने फिश की पैटर्न, फिश के पिक्चर्स कहाँ कहाँ पर देखे हैं, जैसे कि कभी कभी फिश की प्रिंट वाले बेडशीट्स होती है, फिर क्लोथ होते हैं, कपड़े होते हैं, उसमें फिश की प्रिंट होती है ना, कभी मम्मी की साड़ी में होती है, दुपट्टे में होती है, कभी सलवार कमीज में होती है ना, और कहाँ पे देखा है आपने फिश की डिज़ाइन वाला कुछ? हम मेहंदी में भी फिश बनाते हैं ना, यस। फिर ज्वेलरी पहनते हैं ना, ज्वेलरी में भी फिश की डिज़ाइंस होती है ना, हाँ, बहुत सारी जगह हम फिश की डिज़ाइंस यूज़ करते हैं ना। और कुछ आपको याद आता है क्या? आप सोचो, ओके, क्लोदेस में तो होती है ना, और कहाँ होती है आप सोचो। अभी देखो संस्कृत में है ना मीन यानी होता है मछली, और मीनाक्षी मतलब जिसकी आंखें मछली जैसी है ना वो लड़की, उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? मीनाक्षी, ठीक है ना। ये यहाँ पे नैरेट किया है, देखो ये है ना गर्ल, इसकी फिश जैसी आईज है ना, हाँ, तो ऐसी लड़की को क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। तो मीनाक्षी का मीनिंग पता चला आपको, मछली जैसी आंखों वाली लड़की, ओके। आपने कभी देखी ऐसी कोई लाइक गर्ल या कोई वूमन की जिसकी आईज ऐसे फिश जैसी हो? ऑब्जर्व करना, ओके, ठीक है। अभी आपको क्या करना है पता है? एक फेस ड्रॉ करना है, और उसके अंदर उसकी आईज कैसी बनानी है फिश जैसी। दिखाऊं मैं आपको? जैसे कि मैंने ये फेस ड्रॉ किया, फिर मैंने इसकी आंखें बनाई, तो ऐसे आपको भी बनानी है। बनाओगे ना? बन गई ना, हाँ, तो आपको भी ऐसे बनाना है, अपने आपकी ड्राइंग बुक में बनाना, फिर उसका पिक्स करके मुझे भेजना, इट्स योर होमवर्क। नाउ फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस, है ना, अलग अलग साइज़ की फिशेस होती है ना, सारे सेम होती है, कोई छोटी होती है, कितनी 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 बड़ी है ना, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, बहुत सारे शेप्स एंड साइज की फिशेस होती है ना। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर, यानी कितना होता है बताओ मैं आपको स्केल पे, देखो इतना छोटा दिखता है आपको, इतना पोर्शन, सिर्फ इतना, आप अपनी स्केल पे देखना, इतनी छोटी भी फिश होती है, इतनी स्मॉल 1 सेंटीमीटर की, ओके। और बिग से बिग फिश होती है ना, कौन सी होती है? बिगेस्ट फिश, डू यू नो? ब्लू वेल सबसे बड़ी होती है, और उसकी लेंथ कितनी होती है पता है आपको? ब्लू वेल की लेंथ होती है आई थिंक 33 मीटर से भी, मतलब इतना होता है मीटर, यहाँ से मेरे ये शोल्डर से लेके मेरे टोज है ना, मैं ऐसे लंबे करूँ ना, इतना एक मीटर होता है, वैसे 33 मीटर जितनी लॉन्ग वो होती है, कौन सी? ब्लू वेल। और वो अर्थ पे सबसे बिगेस्ट एनिमल कहा जाता है ब्लू वेल को, एलिफेंट नहीं है,
एलिफेंट से भी बहुत बिग है, उसकी जो टंग होती है ना वही बेबी एलिफेंट जितनी होती है, इतनी बड़ी सी बिग वेल वो ब्लू फिश होती है। फिर उसकी जो हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती है ना, हमारी जो वेन्स होती है ना हमारे हार्ट के साथ जुड़ी हुई, ऐसे उसकी जो आर्टरीज है ना वो इतनी ब्रॉड होती है ना कि उसमें बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, इतनी ब्रॉड होती है, नाले जैसे दिखती है पूरी उसकी वेन, नस बोलते हैं ना नस हम गुजराती में भी, उसकी इतनी ब्रॉड होती है, वो इतनी बड़ी फिश होती है। और वो है ना दिन कितने साल जीती है पता है, एवरेज 80 to 90 ईयर्स तक वो जिंदा रहती है। और वो एक्चुअल में फिश नहीं है, ब्लू व्हेल क्या है पता है, मैमल है। फिश है ना वो एग्स ले करती है, और जो मैमल होता है ना वो बेबी को बॉर्न करता है, बच्चे को जन्म देता है। तो ब्लू व्हेल जो होती है ना वो एग्स ले नहीं करती, डायरेक्टली उसका बेबी बॉर्न होता है और उसका मिल्क फीड करके उसको बड़ा करती है। ठीक है, तो ब्लू व्हेल के बारे में पता चला ना, वो कौन क्या है, ब्लू व्हेल इज़ द बिगेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ओके, तो फिश के बारे में पता चला ना आपको, अच्छा लगा ना, मजा आई ना, यस। और वो कितना खाना खाती है पता है आपको, बताऊँ मैं, वो है ना आई थिंक 150 मेट्रिक टन्स उतना खाना वो डेली खा जाती है, इतना सारा खाना उसको चाहिए। तो ब्लू व्हेल के बारे में तो मैंने आपको इतना सारा बताया, अभी आप भी कोई फिश के बारे में सोचना, गूगल सर्च करना है ना, फिर मेरे साथ शेयर करना, करोगे ना, यस। अच्छा चल, आपको लड़की ड्रॉ करनी है वो मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने व्हेल शार्क के बारे, व्हेल शार्क है ना एक्चुअल में फिश नहीं है, वो मैंने बता दिया ना आपको, है ना। और वो है ना हार्मलेस है, वो कभी ह्यूमन को परेशान नहीं करती है, जो व्हेल शार्क होती है ना वो, ठीक है, इट डज नॉट अटैक ऑन ह्यूमन, ह्यूमन को अटैक नहीं करती वो, पर हमें परेशान नहीं करना चाहिए उसको, है ना, कभी भी अगर देखे तो। ओके चलो, अभी ये नीचे, हाँ यही सब लिखा हुआ है इसमें, आप रीड करना अपना लेसन, है ना। और जो वेल होती है ना वो हमारी तरह ही ब्रीदिंग करती है पानी में से बाहर आके, और बाकी की जो फिशेस होती है ना उनको गिल होती है, गिल हमारा नोज़ होता है ना वैसा उनका गिल होता है, और गिल से जो वाटर के अंदर जो डाइल्यूट ऑक्सीजन होता है ना उसको एब्जॉर्ब करती है। जबकि ये शार्क और वेल वो जब क्या करती है, बाहर आती है ना, देखा है कभी अपने वाटर में से बाहर आती है, ब्रीदिंग करती है, फिर अंदर चली जाती है, फिर ब्रीथ करने के लिए बाहर आती है, वो हमारी तरह ब्रीथ करती है ना, वो मैमल्स है। ओके बेबीज को यही सब लिखा है इसमें, देखो वेल गिव्स बर्थ टू बेबीज, है ना, बट फिश ले एग्स, द वेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस, बड़ी और डेंजरस दिखती है पर वो हार्मलेस है ना, हमको कुछ वो हार्म नहीं पहुँचाते। ओके अभी देखो मैं कहाँ पे कहाँ तक समझाया बताओ मैं आपको, मैंने यहाँ तक फिनिश आपको समझाया, अभी मैं यहाँ से करती हूँ, ठीक है, मैं आपको है ना इन शॉर्ट अंदर क्या है वो बता देती हूँ, फिर आप अच्छे से रीड करना आपको मजा आएगी। ओके देखो यहाँ पे ये लिखा है कि वन वेल शार्क वॉज लॉन्ग एज 18 मीटर, ये यहाँ पे है ना वेल शार्क की बात की है, वो 18 मीटर लॉन्ग होती है। मैंने कौन सी बताई आपको, ब्लू वेल, वो कितनी होती है 33 मीटर होती है अप्रॉक्सीमेट। ओके तो अभी यहाँ पे ऐसे बोला है कि वेल शार्क है ना वो 18 मीटर लॉन्ग है, जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रन ऑफ योर साइज, है ना, स्टैंडिंग वन ऑन टॉप, आप जैसे बच्चे हैं वैसे, जैसे कि आप हो, आपके ऊपर दूसरा, आप उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर तीसरा, तो कितने बच्चे खड़े करेंगे तब 18 मीटर होगा, है ना, तो हमको ढूंढना है। सोचो तो आप, आपकी हाइट कितनी है, सोचो सोचो, 1 मीटर है आपकी हाइट, होगी क्या 2 मीटर होगी, चलो हम 1 मीटर लेके सोचते हैं कि 1 मीटर है, तो आपके जितने 12 चिल्ड्रन तो कितने हुए, 12 मीटर हुए ना, है ना, तो वन वेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज, वो कितनी लंबी होगी, सोचो आपसे भी लंबी, आपके जितने एक बच्चा उसके ऊपर दूसरा उसके ऊपर तीसरा, 12 चिल्ड्रन भी आप खड़े रह जाओगे ना तो भी जो वेल शार्क है ना वो आपसे लंबी रहेगी, लॉन्ग रहेगी, है ना। ओके अभी एंड गैस व्हाट इज द वेट, उसका वेट कितना होगा, है ना, कितना सारा वेट होगा उसका, वेल मच मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। ओके अगर आपके आपका वेट 30 किलो है ना, आपका वेट कितना है 30 केजी, मैं आपको बताऊँ, देखो
आपका है 30 kg, ओके। और आपके जैसे ही 12 बच्चे, तो कितने करेंगे हम, 32 × 12 करेंगे, है ना। तो कितना होगा सोचो, देखो ये 12 × 3 कितना होता है, देखो यहाँ पे टेबल की ज़रूरत पड़ती है ना, 12 × 3 = 36 होता है ना, यस। इसको हम शॉर्ट में ऐसे कर सकते हैं, पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये 0 इधर लगा दो, तो कितना होगा आप लोगों का, आपके जैसे 12 चिल्ड्रन का आपको टुगेदर साथ में वेट करेंगे तो कितना होगा, 360 kg, ओके। अभी शार्कवेल का कितना है, कितना बताया उन्होंने हमको, सोचो सोचो, देखो इधर पढ़ते हैं हम आगे। उसका वेट है 16,000 kg, है ना। आप 12 चिल्ड्रन इकट्ठा होके जितना वेट होगा, टुगेदर होके जितना वेट होगा, और इसका तो 16,000 है, तो आपसे आपका तो सबका मिला के 360 हुआ, तो आपसे वेल का कितना, कितने गुना ज़्यादा वेट है ना, कितना टाइम मोर, हाउ मेनी टाइम मोर वेल शार्क का वेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 16,000 / 360 करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 44 आएगा आपका आंसर, समझ में आया। तो इतने 44 times आपसे भी, आप 30 चिल्ड्रन से भी, 12 चिल्ड्रन से भी उसका वेट ज़्यादा होगा, समझ में आया। अभी देखो ये तो है ना टेक्स्ट बुक में आपको एक रीड कराती हूँ, अभी नेक्स्ट लेक्चर में है ना मैं आपको बोर्ड पे सम्स कराऊंगी, ये थोड़ा सा आपको मजा आए, थोड़ा सा नॉलेज आपको मिले, है ना, फिशेस के बारे में, इसके लिए मैं आपको समझा रही हूँ। पर अभी क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में सम्स कराऊंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न टेबल्स अप टू 15, ओके। 15 तक के टेबल आपको लर्न करने हैं। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, हाँ देखो यहाँ पे भी छोटू सी कितनी मस्त मस्त पेज दिखाई है ना, चलो अभी आगे देखते हैं क्या है। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, आपका वेट कितना होगा, सपोज आपका वेट 30 है, ओके। चलो सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट -kg, मैंने बताया ना कि आपको आपका वेट 30 है और आपके जैसे 12 चिल्ड्रन, तो वेट कितना होगा, 12 × 3 = 36, और ये 0 इधर लगेगा ना, तो यहाँ पे आएगा 36, आया समझ में, ओके। अभी क्या है, अबाउट हाउ मच मोर डज द वेल शार्क वेट देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू, ये भी मैंने बताया ना कि आपके जैसे 12 बच्चे, 12 चिल्ड्रन का वेट और शार्क का वेट, तो आपसे कितने गुना ज़्यादा होगा, तो आपके 12 चिल्ड्रन का वेट मिला के कितना हुआ, 360 हुआ ना, और वेल का कितना है, 16,000, वो भी हमने किया ना कि 16,000 को क्या करना है, 36 से डिवाइड कर देना है, ओके। तो कितना आएगा, 44.44, है ना, उतने टाइम्स मोर, इतने टाइम्स मोर है शार्क वेल का वेट, ओके। अभी देखो तो फिश टेल, फिश की टेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये है ना, क्या होता है, जो फिश होती है ना उसकी टेल कैसी होती है, ऐसी, ओके। जैसे कि ऐसे फिश है तो उसकी टेल उसके पीछे ऐसे ही होगी, ऐसे ही होगी, ऐसे नहीं होगी, ठीक है। जबकि शार्क की कैसी होती है, देखो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, दिखती है ना, हाँ ऐसे ऐसे होती है, ये शार्क है तो उसकी टेल ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है, ऐसी होती है, ओके। आप देखना डिस्कवरी में, आपको पता चलेगा, थोड़ा ज़्यादा उसको स्विम करता हुआ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। ये पिक्चर में यही बताया है, और वो क्या करती है, अपने बेबीज को बॉर्न करती है, जन्म बर्थ देती है, ओके। एग्स ले नहीं करती है, बिकॉज इट इज़ नॉट द फिश, इट इज़ अ मैमल, वो मैमल है, ओके, एक एनिमल है, वो फिश नहीं है, ओके। अच्छा, स्कूल्स ऑफ फिश, स्कूल्स किसको बोलते हैं पता है आपके, डू यू नो, मैंने बताया था ना कि जो ग्रुप होता है ना फिश का, बहुत सारी फिश, देखो ये पूरा ग्रुप है, हाँ सॉरी, ये पूरा ग्रुप है ना उस, तो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हर्ड ऑफ एनिमल, एनिमल बहुत सारे इकट्ठा होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्ड ऑफ एनिमल, है ना, प्राणियों टोड़ो, तो फिश झूंड है ना, माछलियों झूंड, एने शू कहवा, स्कूल्स कहवा,
स्कूल्स ऑफ फिश, क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में है। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर, उनको है ना साथ में स्विम करना अच्छा लगता है इन द सी। जब सी में वो स्विम करती है ना, तब देखना ग्रुप में स्विम करती है, अकेले अकेले नहीं करती। जो स्मॉल फिशेस होती है ना, वो बिग फिशेस अकेले करती है, पर स्मॉल फिशेस हमेशा कैसे रहेगी, ग्रुप में। क्यों रहेगी, क्योंकि उससे उनको क्या होगा, थोड़ी सेफ्टी फील होगी कि हाँ हम सेफ है, ऐसा उनको फील होगा। क्योंकि अकेली होती है तो डर जाती है, कोई भी बिग फिश आके उसको खा जाएगी। पर उनका जो पूरा स्कूल्स होता है ना, पूरा ग्रुप होता है ना, तो बिग फिश आती है ना, तो वो ऐसे ऐसे से बिखर जाती है, कभी इधर इधर गोल गोल घूमती है, तो उसको ऐसे चीट करके वो निकल जाती है ना। तो वो क्या करते हैं, फील सेफ इन योर स्कूल। जैसे आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में होते हो तो सेफ फील करते हो ना, वैसे वो भी जब ग्रुप में होती है ना, तो क्या करती है, सेफ फील करती है ना। समझ आया आपको। देखो अभी एक और है फिश के बारे में इंफॉर्मेशन। टू स्केयर अवे द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। कुछ फिशेस ऐसी होती है कि जो अपने से बिगर, थोड़ी सी बड़ी फिश को देखती है तो क्या करती है, पता है, अपने आप को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, दे स्वेलो द वाटर, पानी पी जाती है और फिर स्वेलो हो जाती है, फूल जाती है। तो वो फिश दूसरी जो होगी ना बिगर, उसको क्या लगेगा, अरे ये तो बहुत बड़ी फिश है, वो डर के भाग जाएगी। तो इस तरह से अपने आप को वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। देखो अभी यहाँ पे एक गर्ल है, उसका नाम है जिंसी। जिंसी यूज्ड दिस शेप्स टू मेक ड्राइंग्स ऑफ फिश। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। ठीक है, ये सारे शेप्स है, देखो इसमें से कुछ शेप्स यूज़ कर से यहाँ पे जेंसी ने क्या किया है, फिश ड्रॉ की है ना। जैसे यहाँ पे आइस बना दी तो क्या बनेगा, फिश बन जाएगी ना। यहाँ पे आइस बनाई हमने तो फिश बन गई है ना। उसने कुछ शेप्स को देखो, यहाँ पे हार्ट शेप है, यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये ओवल है, ऐसे उसने शेप्स ड्रॉ करके क्या किया है, फिशेस बनाई है। तो आपको भी ये शेप्स करके फिश बनानी है ना, उसको ड्रॉ करना है। कैसे कर सकते हो, देखो जैसे कि ये है ना, इसके पीछे मैंने कर दिया ऐसे, यहाँ पे कर दिया गोल, आई कर दी, तो कर सकते हैं ना, ये फिश बन गई ना। ट्रायंगल बना दिए, दूसरा एक ट्रायंगल, सर्कल बना दिए, आई बना दी, हो गई फिश। कैन यू डू दिस टाइप ऑफ फिश, यस कर सकते हैं ना ड्रॉ। अभी रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, देखो जैसे रेक्टेंगल किया, यहाँ पे हमने किया ट्रायंगल, यहाँ पे हमने किया ऐसे जो मून शेप जो है वो, ठीक है ना, यहाँ पे हमने थोड़ा सा गोल किया, सर्कल किया, यहाँ पे और सर्कल किया, है ना, कर सकते हैं ना ऐसे, यस। सो यू कैन मेक सो मैनी टाइप्स ऑफ फिशेस बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स, यस। नाउ सी दीज आर सम एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक मतलब जो ओशन में रहते हैं ना, सी में रहते हैं ना, ऐसे एनिमल्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, हैव यू सीन, आपने कभी देखे हैं ऐसे एनिमल्स? अगर आप डिस्कवरी देखते होंगे तो आपने देखा होगा, हमने माईसेल्फ में बताया था ना, वी शुड सी नाइस चैनल्स टू गेट इन्फॉर्मेशन, है ना, हमको अच्छी अच्छी चैनल्स देखनी चाहिए, तो हमको क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन। देखो ये क्या है, सी अर्चिन है, ये क्या है, लोबस्टर है, ठीक है ना, एंड हियर इज एल, ये क्या है, एल, डू यू नो, आपको पता है इलेक्ट्रिक एल भी आती है, इलेक्ट्रिक एल होती है ना, वो स्टिंग करती है और शॉक देती है, जब वो आपको काटती है ना तो आपको करंट लगता है, हाँ इंसान मर भी सकता है, इट इज़ वेरी डेंजरस। तो कभी सी शोर पे जाओ तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक एल से बचना है ना। तो क्रैब भी कैसे पकड़ लेता है हमको, दिस इज रेड स्नैपर, दिस फिश इज रेड स्नैपर, ओके। नाउ द नेक्स्ट, यस, देखो ये देर आर सो मैनी एक्वेटिक एनिमल्स हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, है ना। दिस इज ऑक्टोपस, डू नो अबाउट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस हैज ब्लू कलर्ड ब्लड, उसके कलर, ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, और उसकी टू आइज होती है ना, उसके हेयर पे होती है। देखो
देखा है ना ऑक्टोपस आपने, और वो है ना पॉइजन छोड़ता है, ब्लू कलर की इंक जैसा लगता है आपको, बट इट इज़ पॉइजनस लिक्विड, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ता है ना, अपना एनिमी उसको लगता है कि ये मुझे हार्म करेगा, तो वो इस तरह से ब्लू इंक जैसा थ्रो करता है, स्प्रे करता है। और उसका ब्लड भी किस कौन से कलर का होता है, विच एनिमल हैज़ ब्लू कलर ब्लड, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्टोपस, है ना। यस, अभी ये क्या है, क्लैम है, क्या है, क्लैम, दिस इज क्लैम, दिस इज पैरट फिश, सी ये क्या है, पैरट फिश दिखती है ना आपको, कटल फिश, दिस इज कटल फिश, दिस इज प्रॉन, प्रॉन कुछ लोग खाते भी हैं, कभी देखते हो आप ट्रैवल एक्सपी और फॉक्स ट्रैवलर में आता है कैसे कुक करते हैं, जो सी शोर पे रहते ना, है ना, दरिया किनारे का जो एरिया होता है ना, मैक्सिमम वहाँ पे सी फूड ही मिलता है, जैसे आप आइलैंड्स पे जाओगे तो वहाँ पे हमारी तरह रोटी सब्जी वो नहीं मिलता है ना, वहाँ पे सी फूड मैक्सिमम खाते हैं क्योंकि वहाँ पे वही मिलता है, वहाँ पे ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं होता है इसलिए। अभी देखो दिस इज स्क्विड, स्क्विड डू यू नो अबाउट स्क्विड, स्क्विड है ना मोस्टली बॉटम जो होता है ना दरिया का तल, वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है, और उसको वो ऑक्टोपस के जैसी होती है, पर बिल्कुल ऑक्टोपस जैसी नहीं होती, थोड़ी लंबी होती है, और उसको वन आई होती है, और है ना डीप ओशन में देर इज़ नो लाइट, ज़्यादा लाइट की रेज नहीं जा सकती, तो ये जो होती है ना वो बायोल्यूमिनस होती है, बायोल्यूमिनस मतलब खुद अपने आप लाइट लाइट देती है, लाइट दिखती है, चमकती है, वो अपने आप को लाइट चाहिए ना तो खुद ही चमकती है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ निकालती है, दिस इज स्क्विड। ओके, ऐसे तो बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हम बहुत सारा जान सकते हैं, है ना, आप भी ये सारे एनिमल्स है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। ओके, कि क्रैब होता है तो उसकी क्या स्पेशल कुछ बातें है ना, सिल्वर पॉम्फ्रेट है, बहुत सारे फिशेस है यहाँ पे, सी है ना। यस, विच ऑफ दिस सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर, आपने कभी देखे है इसमें से कोई, अगर देखे हैं तो आप इसके नेम अपनी नोटबुक में लिखना। ओके, यस, और नहीं देखे हैं तो आप डिस्कवरी चैनल देखो, उसमें तो देखने को मिलेगा ही, है ना, हम सी के अंदर तो नहीं जा सकते पर हम स्क्रीन पे तो देख सकते हैं, है ना। ओके, तो अभी हमने यहाँ तक हमारा लेसन रखना है। ओके, गॉट इट, समझ आया आपको। ओके, अभी आगे का है ना मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में कराऊंगी, मैं नेक्स्ट पीरियड में है ना हम सम्स करेंगे, है ना, ये तो फिश की इंफॉर्मेशन है पर हमको मैथ्स है तो सम्स भी करने पड़ेंगे ना, तो मैं आपको सम्स कराऊंगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ मिला के वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। ओके, वो हम बोर्ड पे करेंगे या नोटबुक में करके मैं आपको दिखाऊंगी, बट बिफोर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस टेबल्स ऑफ 1 to 15, अगर 1 to 15 तक के टेबल आपने प्रिपेयर नहीं किए हैं तो सम्स आपको कैसे आएंगे। ओके, समझ आ गया, तो आपका होमवर्क क्या है, व्हाट इज़ अ होमवर्क, यू हैव टू प्रिपेयर एंड राइट डाउन 2 times इन योर नोटबुक व्हाट टेबल्स ऑफ 1 to 15, राइट, करोगे ना। ओके, और डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स का यूज़ करके आपको एनी 5 फिशेस ड्रॉ करनी है, कोई भी आपकी आपकी पसंद की डिज़ाइन। ओके, अलग अलग शेप्स होते हैं ना, जो भी शेप आपको अच्छे लगे उसका यूज़ करो और 5 types ऑफ फिशेस ड्रॉ करो, ठीक है ना। और ये सारी जो अदर फिशेस है ना, मैंने आपको जैसे ऑक्टोपस के बारे में बताया, मैंने आपको स्क्विड के बारे में बताया, पता है ना, तो आप क्या करना, बाकी के एनिमल्स जो है ना इसमें जितनी भी देखती है, मैंने इलेक्ट्रिक ईल के बारे में बताया, पता है ना आपको, तो बाकी में आप थोड़ा थोड़ा ढूंढना, है ना, आप यूट्यूब और सब देखते हो कभी कभी, तो पापा के साथ बैठ के कि चलो हम इसको ढूंढते हैं, मम्मी के साथ बैठ के इसके इसके बारे में कोई स्पेशल थिंग हो, कोई मैटर हो तो हम जानेंगे, आप मुझसे शेयर करना। ओके, मज़ेदार लेसन था ना, फिश के बारे में कितना सारा जानना हमें, है ना। ओके, अगर ऑफलाइन होता तो मैं और भी आपको कुछ ज़्यादा करा सकती थी, है ना, करेंगे हम जब स्कूल ओपन हो जाएगी ना, फिर से करेंगे सब कुछ, तब तक के लिए आपको ये सब करना है। कैसे पता चला, देखो ये फिश क्या करती है, वाटर स्वेलो कर जाती है और फिर स्वेल हो जाती है, और फिर उससे भी बड़ी फिश होती है ना उसको डरा देती है, वो भाग जाती है ना, कितना मस्त आइडिया यूज़ करती है वो, एनिमल्स के भी इंटेलेक्चुअल होते हैं वो लोग, है ना, समझ होती है उनकी। फिर मैंने आपको ब्लू वेल के बारे में बताया, है ना, आप भी ब्लू वेल के बारे में और बहुत कुछ जानकारी ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो दिस इज़ योर लेसन। ओके, हमने कहाँ तक फिनिश किया, आ, आ, आ,
यहाँ तक, ओके वी हैव कम्प्लीटेड हियर, ओके यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं और होमवर्क मैंने आपको दे दिया है, ओके तो आपको वो करना है और अभी ये वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपना नेम लिख के थम करना है, तो मैं आपकी अटेंडेंस फिल करूँगी, ओके हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे वीडियोस देखेंगे, बोर्ड पे भी मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम, अभी यहाँ तक आपको लेसन रीड करना है, करोगे ना, ठीक है, ओके टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ओके बाय।